अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां एक्सिस बैंक के बाहर बने एटीएम को बुधवार देर रात बदमाशों ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इधर मशीन में गड़बड़ी के चलते एटीएम से एक मैसेज बैंक के मैनेजर के मोबाइल पर पहुंचा। उन्होंने डायल 100 पर इसकी सूचना दी, लेकिन इसके पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चंदन नगर थाने के SI विशाल सिंह परिहार ने बताया कि जवाहर टेकरी पर एक्सिस बैंक का एटीएम है। यहां रात करीब 2 बजे 3 बदमाश अंदर आए थे। उन्होंने यहां मशीन में तोड़फोड़ का प्रयास किया। इस दौरान बैंक के ब्रांच मैनेजर गौरव सिसोदिया को मोबाइल पर अलर्ट मैसेज मिला। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन बदमाशों की जानकारी नहीं मिली। जवाहर टेकरी काफी सुनसान इलाका है, उसके आसपास काफी बस्तियां भी हैं। पुलिस को ब्रांच के मैनेजर गौरव ने गुरुवार सुबह सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं, जिसमें 3 बदमाश एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सभी ने अपने चेहरे छिपा रखे हैं। फिलहाल कॉल डिटेल और सड़कों के कैमरे से आरोपियों की तलाश की जा रही है। आप तो पंत ब्रिज के पास की है। जब फरियादी वहाँ से अपने घर वापस आ रहा था, तब आनंद लूनिया और उसके साथी ने उसको रोका और दारू पीने के लिए पैसे मांगे। जब फरियादी द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया तो फरियादी के साथ मारपीट की गई। फरियादी द्वारा थाना चंदनगर पर मौखिक रूप से अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है और दोनों आरोपियों की तलाश जारी है इसमें।